नमस्कार, प्राइम सस्पेंस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कमर खान। किन मुद्दों को लेकर के धरना था और कैसे इसकी समाप्ति हुई? धरना था हमारे जो नगर निगम के अपर नगर निगम शशि प्रकाश झा के विरुद्ध ये धरना था। घटना यह है कि रविवार के दोपहर वहाँ पर पार्क से एक फ़ोन आया कि हमारे कर्मी ने किया कि वहाँ से ऐसा पिकनिक कर रहे हैं, हम लोग स्वच्छता ऐप करवाने गए, तो उन्होंने बदतमीज़ किया और हमें रोक दिया गया। मैं पहुँचा वहाँ पर, उनसे पूछा कि आप हमारे कर्मी से आइडेंटिटी पूछने वाले कौन? ये CISF कैंप नहीं है, हमारा निगम क्षेत्र है और निगम का पार्क है, आपको किसने परमिशन दिया पहले हमें वो कागज़ दिखा, हमारे निगम कर्मी को छोड़कर। उसके बाद शशि प्रकाश झा से संपर्क करने के लिए तकरीबन 3 घंटा मैंने प्रयास किया। फ़ोन उठाते थे, बोलते थे बस कर रहे हैं, एक पिकनिक में है। 2:30 बजे करीब उनसे बात हुई, मैंने पूछा कि आपने क्यों दिया, बोला बहुत लोग जाते हैं। बोले जाते हैं तो आपने पार्क किसी CISF को जो दिया है राजस्व लेके दिया या फ्री में दिया है? तो बोला इसी तरह मैंने दे दिया। मैंने बोला आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है जो आप फ्री में किसी को मन होगा देगा, निगम का है, इसका तो एक पत्र भी होना चाहिए ना फ्री में कागज़ से कि भाई हमारे देश के जवान इनको मुफ्त में दिया जाता है, उससे हमें दिक्कत नहीं है। जब मैंने पूछा किस नियम से एक तहत दिया, तो उन्होंने सीधे फ़ोन काटा, बोला कि बाद में बात करते हैं। 3:45 बजे उनके ड्राइवर से मैंने संपर्क किया, बोला जाकर बोलो उन्हें निकल कर जरा सा बात कर लें इत्मीनान से 5 मिनट, नहीं तो मजबूरन मुझे लगता है कि अब आज अपमानित होकर धरने पर बैठना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने कोई इस पर रिस्पॉन्स नहीं दिया, पदाधिकारी के गुमान में थे अपने। अपमानित होकर मुझे अपने जनप्रतिनिधियों से बात किया, कैसी सी घटना, मैं बैठ रहा हूँ आप लोगों को सूचना दे रहा हूँ। सभी ने कहा कि आप क्यों, आपके साथ हम लोग भी अपमानित आए दिन हो रहे हैं, हम लोग भी आपके समर्थन में, और सभी लोग जुट गए और धरने पर बैठ गए। यही प्रक्रम था कि धरना पर सभी लोग बैठ गए। कितनी सूत्री मांगे थी और किन मांगों को माना गया धरने पर बैठने के बाद? हमारा 11 सूत्री मांग किन मांगों को माना गया धरने पर बैठने के बाद? हमारा 11 सूत्री मांग निकल कर आया इन मुद्दों पर, जो भी आएंगे इनके ऊपर के प्रशासन के अधिकारी उनसे रखा गया। जिसमें प्रथम था चेकपोस्ट में लगा जो ACC का होर्डिंग था संचेती का, वो इन्हीं के द्वारा 17 बारों को अवैध घोषित किया गया था और 28 तारीख को वो होर्डिंग हम भी वहाँ मौजूद थे, हमारी निगरानी में नगर निगम सिटी मैनेजर सबीर आलम की मौजूदगी में उसे हटाया गया। पुनः 4 तारीख को वो होर्डिंग लगा दिया गया, उसका सालाना राजस्व 3 लाख रुपया बनता है, लेकिन 3 सालों से अवैध लगा था। मेरे पत्राचार के बाद करीब करीब होर्डिंग का राजस्व आने लगा, लेकिन इसका नहीं दिया गया था। 17 बारों इनके द्वारा उसे अवैध घोषित कर दिया गया इन्हीं के पत्र से कि ये अब निगम इनका एग्रीमेंट को जो था करारनामा रद्द करते हुए इसे निगम की संपत्ति हो गई, लेकिन पुनः लग गया। तो प्रथम था कि अगर जिला प्रशासन इसमें पहल करना चाहता तो एक सूत्र पहला जो मांग है प्रथम में उस पर कार्रवाई हो, उसके बाद हम लोग वार्ता उपायुक्त महोदय से करेंगे। उसके आलोक में कल फिर से पुनः पत्र निकाल कर दिया गया कि वो निगम की संपत्ति है, उसे अवैध घोषित करके जब्त कर लिया गया है। अब कोई भी ऐड लगेगा तो वो निगम के परमिशन से लगेगा। कल से वहाँ नगर निगम का स्वच्छता का बोर्ड लग गया है निगम का अपना, इसको प्रशासन ने पहल के तौर पर रखा। प्रथम वो मांग को मांगा, उस पर हम लोगों ने वार्ता की उपायुक्त महोदय, बहुत पॉजिटिव बात हुई। उपायुक्त महोदय मुकेश कुमार जी का मैं और मेरा पूरा पार्षद परिवार नगर निगम का टीम उन्हें तहे दिल से बधाई देता कि वो इतना पॉजिटिव सोच और इतना एनर्जेटिक तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हैं। उन्होंने बाकी मुद्दों पर कहा है कि SDO साहब के निगरानी में एक कमेटी बनाकर इस पर जांच की जाएगी। वित्तीय अनियमितता मिलती है तो इसको SIT को फॉरवर्ड हम कर देंगे। अवैध होर्डिंग लगाने का मामलों को लेकर इस तरह से अधिकारी और आपस में जुड़ाते रहते, चास नगर निगम कितना प्रभावित होगा? विकास कार्य कहीं प्रभावित नहीं है, किसी विकास के मुद्दे पर कोई विवाद नहीं है, जहाँ काम योजनाएं चल रही हैं उसमें कहीं विवाद नहीं है। जैसे LED लाइट लगने का मुद्दा भी आ रहा है, LED लाइट जो लग रहा है EESF कंपनी के द्वारा, ये निगम के सभी पार्षद अपने अपने क्षेत्रों से अनुशंसा करके दिए कि पोल गिनती करके कि मेरे यहाँ इतना पोल है, मेरे यहाँ इतना पोल है, उसी के आलोक में करीब करीब 10,000 का था कुछ एक्स्ट्रा की पोल लग सकता है एक सालों में, तो 14,000 लाइट का यहाँ से प्रपोजल दिया गया था। लेकिन आए दिन ऐसा मनमानी दिखा जा रहा है कि कुछ लोग, कुछ असामाजिक तत्व भी इसमें लोग LED लाइट ले जाके लगवा रहे हैं, पार्षद को कोई सूचना नहीं है। पार्षद जब नगर आयुक्त को फ़ोन करते हैं तो वो बोलते हैं अच्छा देखते हैं, लेकिन इसमें कोई देखते नहीं है। पार्षद किस लिए है? अगर लाइट हमारे वार्ड में कोई भी स्कीम हो उसकी किसी भी वार्ड में, उसके लिए तो पार्षद ही वहाँ के देखने वाले हैं कि अदर कोई भी देख सकता है उसको, उस मोहल्ले का। क्या मानते हैं कि निगम मनमानी कर रहा है? मनमानी तो शुरू से चल रहा है, लोग अभी कह रहे हैं कि चुनाव है तो धरना कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। इसके पूर्व भी 4 बार धरना हो चुका है, 3 बार बोर्ड बहिष्कार हो चुका है सर्वसम्मति से, सभी लोगों को मिल, मतलब एक तरफा, मतलब ये कहता है ना कि 35 में 5 कर रहे हैं
35 में से 34 आदमी एक तरफ हमेशा रहे हैं मनमानी के खिलाफ, एक आदमी गलत हो सकता है, दो आदमी गलत हो सकता है, 35 गलत नहीं हो सकता है। मनमानी का शिकार है चास नगर निगम, 2015 के बाद मनमानी का पूर्ण रूपेण शिकार है चास नगर निगम, इससे विकास कार्य में बाधा है। विकास कार्य को हम लोग जहाँ तक होता है विकास कार्य कहीं प्रभावित हो इस पर हम लोग विशेष ध्यान देते हैं, हर जनप्रतिनिधि विकास कार्य पर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मनमानी पर दिक्कत है, अंकुश जरूर है। आप दीजिए सच का साथ, जुड़िए हमारे साथ, रखिए अपनी पैनी नजर, हम हैं क्राइम सस्पेंस। नमस्कार।